इज्जत नहीं करती है मेरी वाइफ, आपको जो है ना बहुत दबा के रखती है। कोई इज्जत नहीं करती, अपनी भाभी हमको बोल रही है कि मेरा स्कूल में कोई इज्जत नहीं करता, बोलता है आपका देवर जो है मार खाता है ना अपनी बीवी से, सब देख करके हंसता है, बोलता है आ गया साला लतखोर का भाई। हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड फ्रेंड्स। आज एक प्रैंक मैं बनाऊंगा जो कि एक सच्ची घटना पे आधारित है। एक्चुअली हुआ क्या ना, मैं अभी अपने घर गया था, मतलब अपने मम्मी के पास गया था, सेक्टर 8 बोकारो में ही है। तो बगल वाली भाभी जो है ना, वो मुझे मतलब ऐसे मतलब नॉर्मली जो पड़ोसी होते हैं वो तो बात करते ही हैं, और पता ही है कि बेटा क्या करता है, तो बेटा यूट्यूबर है, थोड़े बहुत वीडियो बना लेता है। तो जब मेरी वाइफ रेसिपी का चैनल बना खोल रखी थी, उस समय से उन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, तो नोटिफिकेशन आया था, कभी कभी देख लेती हैं। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं गया था, तो भाभी मुझे आज मिल गई गलती से। तो वो मुझे बोल रहे हैं कि आशीष आपका काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन ना आपका इज्जत कुछ नहीं है। बड़ा शॉकिंग सा लगा मुझे, ऐसा इज्जत क्यों नहीं है। तो पुनीता बहुत पीटती है आपको, बहुत मारती है। तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये तो सच में है, मतलब जिनको पता है कि बेटा कॉमेडियन है वो उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जो सीरियसली अगर इस वीडियो को देख रहे हैं वो तो ये सोचेंगे ना कि ये तो उसका बेटा तो हाथ से निकल गया, बीवी पीटती है, लाइफ बर्बाद हो गया, झंड हो गया जीवन इसका। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आज इसका थोड़ा सा मतलब इसका जो है मजा वाइफ को भी दिलवाया जाए। तो आज मैं थोड़ा सा घर जाऊंगा और ड्रंक यानी कि पीने के नाटक करूंगा, मतलब पी करके आज मैं पूरा बवाल करूंगा घर में कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। मतलब जो तुमने मेरी इज्जत खराब कर रखी है उसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो गाइज अभी चलते हैं जल्दी से घर। तो गाइज चलिए जल्दी से चलते हैं घर और सही समय देख करके कैमरा सेट करूंगा। और अभी चलाते चलाते मुझे ये भी आइडिया लेना है कि मतलब कैसे इस प्रैंक को एग्जीक्यूट करना है। तो चलते हैं घर पे। और गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जल्दी से मिलते हैं प्रैंक में। 3 hours later अरे चलिए खाना नहीं खाना है, कितना लेट से आया, पर से खाना भी निकाल रहा है, सो गए हैं। ए मम्मी उठी खाना खा लीजिए, चलिए खाना हटो खाना से। क्या हो गया जी? हे सुन रहे हैं? भाग रहे से क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा है? खाना खा के आए क्या? खाना पूरा एकदम ज्यादा कचरा हो गया, एकदम पूरा दारू पी रहे हैं जी आप? दारू पे क्या है अभी? पीना पड़ा। दोपहर में दारू कौन पीता है जी? अब सब कुछ होगा अब इस घर में। क्या हुआ आपको, क्यों पी क्या है इस समय? एक बात बताओ, इस घर का मालिक कौन? हम है। घर का मालिक कौन है यहाँ पे? हाँ घर का मालिक कौन है? कौन है घर का मालिक? क्या हो गया आपको? घर का मालिक कौन है? आप हैं। कैसे बोली तुम है मालिक है? कैसे बोली कि तुम मालिक है? इधर क्या हुआ आपको? यहाँ आओ पहले, यहाँ आओ पहले। हुआ क्या आपको? सर इज्जत का कचरा पूरा हो गया है मेरा, इज्जत अब कोई नहीं करता मेरा। आप घर गए थे ना वहां पर? हाँ? वहां गए तो वहीं से तो ये चीज हुआ है। बताइए मतलब जिसका 10 साल के बाद वो आदमी हमसे मिला और देख के सब हंस रहा है। क्या हो गया ऐसा? क्या हो गया ऐसा? YouTube पे सब वीडियो देता है, बोलता है कि आशीष आपका काम तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इज्जत नहीं करती है मेरी वाइफ। पुनीता आपको जो है ना बहुत दबा के रखती है। हाँ वो कब दबा के रख दिए? हम कोई इज्जत नहीं करते, हम तो हटो यहाँ से। कौन है मालिक घर? घर का मालिक कौन? कौन है मालिक? अरे आप हैं। तो फिर जब मालिक हम हैं तो कौन डरता है? डरना किसको है? कौन डरेगा? कौन डरेगा? डरने की क्या बात है, मालिक है तो।
बताइए। भाभी तो भाभी बगल वाली भाभी मेरी अपनी भाभी हमको बोल रही है कि मेरा स्कूल में कोई इज्जत नहीं करता था, बोलता है आपका देवर जो है बहुत मार खाता है ना अपनी बीवी से। हम मार खाते हैं तो ये क्यों निकाल रहे हैं? हम मार खाते हैं, हम नहीं कुछ करेंगे आपसे, ठीक है? नहीं तो जो पहले जो किए उसका क्या, जिसके कारण मेरा जो कचड़ा हुआ है इज्जत का उसका क्या, उसका हिसाब किताब कैसे होगा? क्या करे हम, कैसे होगा उसका हिसाब किताब? तो हमको मारिएगा, अभी हमको मारिएगा, अब हम नहीं मारेंगे, क्या हमको करना होगा इसके लिए? हाँ मेरा भैया बताइए, गाय आदमी मेरा भैया कुछ बोलता नहीं है, बोला जब इस रेसिपी का चैनल जब खोले तो उससे मैं सब्सक्राइब कराया था सबसे, सब देख करके हंसता बोलता आ गया साला लतखोर का भाई, लतखोर है हम सब, लतखोर का भाई बोलता है उसको, बोला मेरा उठना बैठना मुश्किल हो गया है मेरे कारण, सब मेरे कारण हुआ है। कौन है घर का मालिक? कौन है घर का मालिक? कौन है तो मेरा इज्जत क्यों नहीं करती है? कर रहे हैं। हाँ मेरा भतीजा, मैं भतीजा बोलता है चाचू, स्कूल में सब कोई हंसता है मेरे ऊपर कि तुम्हारे चाचू लतखोर है। ये बच्चे लोगों का हंसवाम चल गया हाँ? हटा यहाँ से, एकदम पूरा इज्जत का कबाड़ा हो गया। अरे तो क्यों सब्सक्राइब करवा रहे हैं सबको? क्या करें मर जाए हैं? क्यों वीडियो ऐसा क्यों बनता है, इतना क्यों मारती हो तुम वीडियो में? नहीं मारेंगे हम, पहले जो हो गया उसका हिसाब क्या हो, उसका हिसाब कैसे कैसे क्लियर होगा? क्या करें इसके लिए हम? पश्चाताप करो, प्रायश्चित करो, प्रायश्चित जोर से, जोर से, जोर से। मम्मी मम्मी सिर्फ एक मम्मी ही है जिसको समझ में आता है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बाकी सब पूरा दुनिया एकदम। कौन है सर का मालिक? कौन है? कौन है? यहाँ है तो फिर अरे बाप रे, जो हम मालिक है तो फिर उठिए ना, मेरा इज्जत क्यों नहीं होता है? इज्जत होगा होगा, अब से इज्जत करेंगे, कर तो रहे हैं। जोर से दबाओ, जोर से। अरे हो गया ना, आप क्या दबाए? चिल्ला क्यों रही हो? चिल्ला क्यों रही हो? क्यों चिल्लाई? चिल्लाई क्यों? कौन है मालिक? मालिक कौन है? हम हैं। कौन है मालिक? कौन मालिक? आप हैं। कैसे बोली हम हैं? कैसे बोली हम हैं? मुंह दिखाने के लायक अपने रहे हूँ, कैसे हम जाएंगे? अब जा रहे गए ही क्यों फिर उधर? तुम्हारे हिसाब से चलेंगे हम, तुम्हारे हिसाब से चलेंगे हम, क्या कह रहे? तुम्हारे हिसाब से चलेंगे हम, तुम्हारे हिसाब से चलेंगे हम। ये क्या है? ये सब सही नहीं है घर में जो कर रहे हैं। ये है आत्मबल, इसको कहते हैं आत्मबल, समझ में आया? उसको हटा के रखिए, उसको हटाइए। अरे ना पीन ये आदमी, उसको सुई धा पहले। मालिक कौन है घर का? आप ही है। वो है मालिक। हाँ जान लेना चाहती है मैं,
कौन मालिक? मालिक कौन है घर के? आप है। तो फिर सब हंसता क्यों मेरे ऊपर? क्यों हंसता मेरे ऊपर सब? हमको नहीं मालूम क्यों हंसता है। मेरा नाम खराब हो गया। आज के बाद अगर एक भी आदमी हंसा तो फिर इधर इधर क्या हुआ? कौन है मालिक? आप हैं। खाना उठिए, चलिए चलिए। मेरा दोस्त लोग कुंदन भी बोलता है कि यार जैसे ही उसके पास जाते हैं बोलते हैं देखो आ गया साला जुरू का गुलाम। क्या डीबी का बात पर ना जुरू का गुलाम होता है क्या? जुरू का गुलाम है हम गुलाम है। अरे नहीं है। क्यों बोलता है वो? अब वो क्यों बोलता है मुझे पता है। चलिए खाना खाइए। कौन मालिक? कौन मालिक? मालिक कौन? कौन मालिक घर का? ए पी क्या है? कितना समझ में नहीं आ रहा है। दारू पी के मैं ही नहीं मैं ही करने। सुनिए बाद में खाइएगा, हम जा रहे हैं खाना खाने। खाना हमको नहीं मिलेगा। खाना नहीं मिलेगा हमको? हैं आप होश में हैं? पूरा होश में हमको प्रैंक कर प्रैंक है ये। हाँ मालिक कौन है घर का? जैसे डर करा है ना अभी वैसे डर करा गई सबने। कौन क्या बोल दिया आपको? कोई कुछ नहीं बोला है, भाभी बोल रही थी बगल वाली। हम जाते तो उनको बोलते हैं क्या आप इसे देख लिए हैं? जो देखे सब वही देखा है क्या? जो दिखाते हैं वही देखेगा सब। वही निकल रहे थे जूता पहन रहे थे तो बोल रही है आशीष कब आए? बोले आए। बोलिए कि काम तो बहुत अच्छा चलता है आपका लेकिन बहुत मारती है पुनीता आपको। आप उनको क्या समझाए सब चीज? जाओ खाना खा लो जाओ।